हम तक ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाने वाले मीडिया की प्रासंगिकता बहुत अधिक रही है। समय पर ब्रेकिंग न्यूज देने की परंपरा तो ठीक है, लेकिन ये एनालिसिस भी जरूरी है कि पहले किस तरह की ब्रेकिंग न्यूज होती थी और अब क्या होती है। 2013 से 2023 के बीच भले ही एक दशक का समय बीता हो, लेकिन इस दौरान आए बदलावों में जमीन और आसमान का अंतर है। जिन लोगों ने 2013 में इकोनॉमी को कवर किया है, उन्हें याद होगा कि कैसे रेटिंग एजेंसीज भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट का डाउनवर्ड रिवीजन करती थी। लेकिन 2023 में बिल्कुल विपरीत हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और रेटिंग एजेंसीज अब हमारी ग्रोथ फोरकास्ट का अपवर्ड रिवीजन कर रही है। 2013 में बैंकिंग सेक्टर की सस्ता हालत की न्यूज आती थी, लेकिन अब 2023 में हमारे बैंक अपने बेस्ट एवर प्रॉफिट्स और परफॉर्मेंस को दिखा रहे हैं। 2013 में देश में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की खबरें छाई रहती थी, लेकिन 2023 में अखबार और न्यूज चैनल्स में चलता है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। 2013-14 की तुलना में इसमें 20 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रिकॉर्ड स्कैम से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट तक हमने एक लंबा रास्ता तय किया है। साथियों, 2013 में आपको ऐसे कई नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन मिल जाएंगे जो हेडलाइन देते थे कि कठिन आर्थिक स्थितियों के कारण मिडिल क्लास के सपने तबाह हो गए हैं। लेकिन साथियों, 2023 में बदलाव कौन कर रहा है? चाहे स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप हो, स्पेस हो या टेक्नोलॉजी हो, देश का मिडिल क्लास हर विकास यात्रा में सबसे आगे खड़ा नजर आता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के मिडिल क्लास ने तेजी से प्रगति की है। उनकी इनकम बढ़ी है, उनका आकार बढ़ा है। 2013-14 में करीब 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। 2023-24 में यह संख्या डबल हो गई है और 7.5 करोड़ से अधिक लोगों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। टैक्स इंफॉर्मेशन से जुड़ी एक स्टडी बताती है कि 2014 में जो मीन इनकम 4.5 लाख रुपए से भी कम थी, वो 2023 में 13 लाख रुपए तक बढ़ गई है। इसका मतलब है कि भारत में लाखों लोग लोअर इनकम ग्रुप से हायर इनकम ग्रुप की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे याद है, हिंदुस्तान टाइम्स में ही पिछले दिनों एक लेख छपा था जिसमें इनकम टैक्स डेटा से जुड़े अनेक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए गए थे। एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा, सालाना 5.5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए की तनख्वाह पाने वालों का है। साल 2011-12 में इस सैलरी ब्रैकेट में कमाने वालों की टोटल इनकम को जोड़ दें तो यह आंकड़ा था करीब 2.75 लाख करोड़ रुपए। यानी तब भारत में 5.5 लाख से 25 लाख सैलरी पाने वालों की कुल सैलरी जोड़ दें तो वो 2.75 लाख करोड़ रुपए से भी कम थी। 2021 तक ये बढ़कर 14.5 लाख करोड़ हो गई, मतलब इसमें 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसकी दो वजह स्पष्ट है। 5.5 लाख से 25 लाख रुपए तक सैलरी पाने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है और इस ब्रैकेट में लोगों की सैलरी में भी काफी वृद्धि हुई है। और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, यह एनालिसिस सिर्फ सैलरीड इनकम पर आधारित है। अगर इसमें बिजनेस से हुई इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से हुई कमाई, दूसरे इन्वेस्टमेंट से हुई कमाई और इसको जोड़ दिया जाए
तो आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथियों, भारत में बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और कम होती हुई गरीबी, ये दो फैक्टर्स एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक साइकिल का आधार बन रहे हैं। जो लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, जो न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बन रहे हैं, वो लोग अब देश की कंजम्पशन ग्रोथ गति को गति देने वाली बहुत बड़ी फोर्स के रूप में उभर रहे हैं। इस डिमांड को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारा मिडिल क्लास ही उठा रहा है। अगर एक गरीब को नए जूते खरीदने का मन करता है तो मिडिल क्लास की दुकान से खरीदता है, मतलब कि इनकम मिडिल क्लास की बढ़ती है, जीवन गरीब का बदलता है। यह एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। यानी देश में कम हो रही गरीबी मिडिल क्लास को भी फायदा पहुंचा रही है। गरीब और मिडिल क्लास के ऐसे ही लोगों की आकांक्षा और इच्छा शक्ति आज देश के विकास को शक्ति दे रही है। इन लोगों की शक्ति ने ही भारत को 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है और अब यही इच्छा शक्ति हमारे थर्ड टर्म में भारत को दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल कराने जा रही है।